पटना दानापुर कोर्ट के बाहर एक कैदी पर दो शख्सों ने गोली चला दी। इस घटना के बाद उस कैदी की मौत हो गई। कैदी का नाम अभिषेक कुमार और छोटे सरकार बताया जा रहा है। जैसे ही उसे कोर्ट से बाहर लाया गया वैसे ही उस पर दो शख्सों ने गोली चला दी। इस गोलीबारी की आवाज सुनते ही वहाँ पर लोगों का हुजूम भरा हो गया, पुलिस तैनात हो गई और दोनों शख्सों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि इस वक्त दोनों ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इस घटना के बाद बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार की पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में ये काम हो गया और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। कैदी को वहां सुनवाई के लिए लाया गया था, उस पर पहले से ही उसे सजा सुनाई जा चुकी थी। बावजूद इसके आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी, कौन थे वो लोग, क्यों ऐसा किया गया, अभी तक किसी भी तरह कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन पटना के सिटी एसपी राजेश कुमार ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने ये कहा कि इस मामले की सुनवाई हम जल्द करेंगे, कार्यवाही जारी है, जांच जारी है और ऐसा क्यों हुआ ये बात अभी तक हमें भी समझ में नहीं आ रही है। तो अब नीतीश कुमार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट के बाहर एक ऐसे कैदी पर गोली चला दी गई जो पहले से ही सजा भुगत रहा था। बता दें कि कैदी का नाम अभिषेक कुमार और छोटे सरकार बताया जा रहा है और बिहार में ऐसा कहा जाता है कि ना तो पुलिस सुरक्षित है और ना ही लोग। तो उसका एक एग्जांपल, एक उदाहरण आप लोगों के सामने आ चुका है क्योंकि अक्सर बिहार में पुलिस का वीडियो वायरल होते हमें दिखाई देता है और यहाँ पर जो चीजें हुई है उसके बाद अब बिहार की पुलिस पर सवाल ही नहीं, लोग भूखू भी करना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में इस तरीके की घटना अगर कैदी के साथ हो सकती है तो आम लोग कितने सुरक्षित है, अब आप सोचिए। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे NCR समाचार पर।